हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने पाई चार्ट कंट्रोल को यूज़ करना है पाई चार्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। यूजिंग एजेक्स की जो टूल किट है उसका कंट्रोल है ये पाई चार्ट कंट्रोल। तो मगर जो आज का मेन हमारा मोटिव है वो है कि कैसे हमने डेटा को जो है रिट्रीव करना है डेटाबेस में से, और उस जो डेटा को के ऊपर हमने जो है पाई चार्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला जो लास्ट ट्यूटोरियल मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था, वो उसमें जो डेटा मैंने यूज़ किया था वो था स्टैटिक, मगर आज हम जो है डायनेमिकली जो है पाई चार्ट को डिस्प्ले करवाएंगे अपने वेब पेज के ऊपर, जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में से रिट्रीव होगा। तो चलिए, ये मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपकी आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप डायनेमिकली जो है पाई चार्ट को जनरेट कर पाएंगे अपने ASP.NET के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि ये टॉपिक ये जो एग्जांपल है किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, जिनका डेटा मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं SQL सर्वर के अंदर मैंने डेटा उसका जो है सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसके हिंदी के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, तीनों तीनों रिकॉर्ड मैंने जो है SQL सर्वर के अंदर सेव करके रखे हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है किसी एक रोल नंबर को सिलेक्ट करूँगा 1002 सपोज, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम है हरिति, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम हरिति है। हिंदी के मार्क्स हैं 65, मैथ के मार्क्स हैं 87, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में हिंदी के मार्क्स हैं 65 और मैथ के मार्क्स हैं 87। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 87 है। तो अगर मैं यहाँ से कोई कोई और रोल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1003 के जो हिंदी के मार्क्स हैं वो है 56। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 56, और यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है वो है महेश। तो इस तरीके से जो है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है रिज़ल्ट की, उसको आप ग्राफिकली पाई चार्ट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि देखने और समझने में जो डेटा है उसको एनालाइज करना जो है ईजी हो किसी यूज़र के लिए, या किसी पेरेंट्स के लिए, या स्टूडेंट खुद के लिए। तो चलिए, इस तरीके का जो डायनेमिक पाई चार्ट है वो आपने कैसे जनरेट करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा बड़े ही सिंपल और इजी मेथड के थ्रू। तो इस एग्जांपल को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो चलिए, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ से ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आपने वेब लोकेशन प्रोवाइड करनी है। बेसिकली ये पाथ होगा फोल्डर का, जिसके अंदर आपका जो आज की एग्जाम्पल का सारा सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायनेमिक पाई चार्ट 2। तो इस तरीके से ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है क्रिएट हो चुका है। तो चलिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल सी शार्प, यहाँ से वेब फॉर्म, एक ब्लैंक वेब फॉर्म मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, और यहाँ पर आप चाहें तो वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं आपको जस्ट टॉपिक जो है टीच करवाना चाहता हूँ। तो चलिए, ऐड कर देता हूँ इस बटन के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं एक ब्लैंक वेब फॉर्म है जो मेरा वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए, डिज़ाइन के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जो टूल बॉक्स में से कंट्रोल यूज़ करना है वो है लेबल कंट्रोल। तो लेबल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। आप देख सकते हैं लेबल मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल जो है अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने
और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और साथ में आपकी जो नॉलेज है और भी इंक्रीज होगी, आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो और भी इम्प्रूव होगी, और साथ में आप जो अपने आइडियाज़ है वो हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को भी हमारे साथ जो है शेयर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक लेबल और इंसर्ट करते हैं, और इस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आज की हमारी एग्जाम्पल जो है उसका हेडिंग लिख देते हैं, डायनामिक पाई चार्ट यूजिंग एजैक्स टूलकिट ASP.NET और C#। तो चलिए यहाँ से फॉर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ से रेड कर सकते हैं इसका जो कलर है। अब हमने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है, तो टेबल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज होंगे 2, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो भी होंगे 2। तो चलिए ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेबल है मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने इसको थोड़ा सा रीसाइज करना है, और इसके अंदर हमने लिखना है सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर, और यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम टूल बॉक्स में से यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अभी इसके अंदर जो आइटम्स हैं हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि आइटम्स को हम डेटाबेस में से रिट्रीव करेंगे। और यहाँ पे एक बटन इंसर्ट कर देते हैं, और बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देते हैं व्यू परफॉर्मेंस। तो इसका जो बैक कलर है बटन का वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, डार्क येलो। अब हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर पाएंगे आप, और इसकी एक प्रॉपर्टी है इस टेबल की बॉर्डर प्रॉपर्टी, इसके अंदर 1 लिख के एंटर कर दें ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो थिक हो जाएं। अब हमने यहाँ पे जो है एक कनेक्टिविटी करवाने के लिए डेटाबेस के साथ हमने एक कंट्रोल यूज़ करना है जिसका नेम है SQL डेटा सोर्स। तो इसको डबल क्लिक करके इंसर्ट करते हैं वेब फॉर्म के ऊपर, और इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको एक बार जो है डेटाबेस दिखा दूं, कैसा डेटाबेस जो है मैं SQL सर्वर के अंदर यूज़ कर रहा हूं। तो इसको मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूं, इसको एग्ज़िट कर देता हूं, दोबारा से आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर है। अगर आप SQL सर्वर के साथ ग्राफिकली काम करना चाहते हैं माउस की हेल्प के साथ इजी वे के साथ, तो मैनेजमेंट स्टूडियो जो है काफ़ी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो SQL सर्वर के साथ काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे SQL सर्वर का नेम जो है आ चुका है, तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो मेरी जो कनेक्टिविटी है SQL सर्वर के साथ वो हो चुकी है। अब मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं, कैसा डेटाबेस मैं इस एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूं। तो मेरे जो डेटाबेस का नेम है वो है कोर्स डेटा। तो यहाँ जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर जो इसका डिज़ाइन है वो भी आपको मैं एक बार दिखा दूँ ताकि आप नोट कर पाएँ। एक मैंने कॉलम यूज़ किया है, फील्ड यूज़ किया है रोल नंबर, दूसरा है स्टूडेंट नेम, हिंदी के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और साइंस के मार्क्स। और यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप है रोल नंबर के लिए इंटीजर, स्टूडेंट नेम के लिए वॉरकैट और बाकी सभी के लिए इंटीजर यूज़ किया है, और रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो इस तरीके का जो टेबल है आप बड़े ईजी वे के साथ जो है क्रिएट कर पाएंगे SQL सर्वर के अंदर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखे हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड जो है एंटर कर रखे हैं इस टेबल के अंदर, तो आप देख ही सकते हैं ऐसा ही रिकॉर्ड जो है आप भी एंटर कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इसको एग्जिट कर देते हैं, और दोबारा से अपने जो एग्जाम्पल के अंदर जो डेटा SQL डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शन, यहाँ पे हम अपने सर्वर का नेम लिख देता हूँ मैं, आप अपने सर्वर का नेम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नेम जो है लिस्ट में से सिलेक्ट करूँगा। तो अभी 1-2 सेकंड के अंदर जो है मेरी लिस्ट लोड हो जाएगी सारे डेटाबेसेस की नेम्स की। तो उनमें से मैंने अपने डेटाबेस को यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो डेटाबेस का नेम है वो आ चुका है कोर्स रिज़ल्ट। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है कनेक्शन। अब ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा टेबल एक ही था इसलिए सिलेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ से मैंने जो सिलेक्ट करना है वो है रोल नंबर, क्योंकि मेरे मुझे ओनली रोल नंबर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर
कि चेक बॉक्स को मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं क्वेरी, डेटा रिट्रीव हो रहा है बिल्कुल ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने जो है एसक्यूएल डेटा सोर्स को जो है कॉन्फ़िगर कर दिया है प्रॉपरली। अब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को इस डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। यहाँ पर जो है रोल नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो चलिए अब हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारी जो ड्रॉप डाउन वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने एजेक्स का जो कंट्रोल है वो यूज़ करना है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने एजेक्स की टेक्नोलॉजी को अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करना है तो सबसे पहला जो कंट्रोल हमने यूज़ करना है वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो स्क्रिप्ट मैनेजर बेसिकली आपकी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्पोर्ट करता है आपके वेब पेज के अंदर एजेक्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेक्स एक्सटेंशन के अंदर जो हमारा स्क्रिप्ट मैनेजर है वो आ चुका है। और अब हम यहाँ पे जो है अपने आज के कंट्रोल को यूज़ करेंगे जो कि हमारा एजेक्स की टूल किट में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो एजेक्स की टूल किट इंस्टॉल कर रखी है वो है 15.1। तो इनमें से मैंने जो कंट्रोल यूज़ करना है अपने एजेक्स की टूल किट में से वो है पाई चार्ट। तो यहाँ से पाई चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करके इसको भी ऐड कर देते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मेरे पाई चार्ट के जो कोडिंग है वो सोर्स कोड के अंदर भी आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है वो कोडिंग के थ्रू करनी है क्योंकि हमने डायनेमिकली डेटा को रिट्रीव करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है पाई चार्ट को प्रिपेयर करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू परफॉर्मेंस के ऊपर डबल क्लिक करके, और हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है इसलिए दो नेम स्पेसिस को सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो नेम स्पेसिस लिख देता हूँ सिस्टम डॉट डेटा। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, और उसके बाद में सिस्टम डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट। तो चलिए दो जो हमारे नेम स्पेसिस हैं वो हमने डिफाइन कर दी हैं। अब कोडिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो कोडिंग वाली फाइल जो है ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखी है, ये वाली कोडिंग वाली फाइल मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसी तरीके से दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके मॉडिफाई करके भी यूज़ कर पाएंगे और इसी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैं समझने के लिए पूरा सोर्स कोड लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में भी बताऊँगा। आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उससे जो है इस कोड को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। टाइम की लिमिटेशन के कारण मैं जो कोड है वो ऑलरेडी टाइप करके रखता हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके और मेरा भी टाइम जो है सेव हो पाए, ताकि बाद में तो आप इस कोडिंग को समझ सकते हैं बड़े इजी वे के साथ इसका प्रिंट आउट निकलवा कर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कोड के बारे में बता देता हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट आपने यूज़ किए हैं डेटाबेस के अंदर उसकी एक एरे डिफाइन करनी है। यहाँ पे डेसिमल टाइप की एरे होगी, वहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स और इसका जो साइज़ है वो रखा है 4। तो जितनी भी कैटेगरीज आपने पाई चार्ट के अंदर यूज़ करनी है जैसे बीकॉम, बीटेक या हमने हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो उसको मैंने एज ए सब्जेक्ट एक एरे डिफाइन किया है स्ट्रिंग टाइप की और उसका भी साइज मैंने रखा है 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने के लिए मैंने जो है सेम कोडिंग यूज़ की है जो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ एसक्यूएल कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने सर्वर का नेम लिखा है, यहाँ पे मैंने जो है अपने डेटाबेस का नेम लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है टेबल का नेम लिखा है। तो मैंने टेबल में से कौन सा रिकॉर्ड रिट्रीव करना है वो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के टेक्स्ट के साथ मैच करवाऊँगा रोल नंबर को। फिर मैंने एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ किया है, एसक्यूएल कमांड यूज़ की है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर यूज़ किया है, एसक्यूएल डेटा सेट यूज़ किया है। तो इसके बारे में जो थ्रेटिकल डिटेल है वो नेट से आप जो है रीड आउट कर सकते हैं, पहले भी मैं काफ़ी बार इसके बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने डेटा अडेप्टर के थ्रू डेटा सेट को फिल किया है। तो जो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा उसके बारे में मैंने चेक करवाया है क्या जो रोल नंबर है, जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए हैं वो 0 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल 0 से ज़्यादा होंगे जो भी हम रोल नंबर लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो है एरे के अंदर जो है जो भी मार्क्स हमारे डेटाबेस के अंदर हैं उनको रिट्रीव करके इंटीजर में कन्वर्ट करके इस एरे के अंदर सेव करवाना है। एरे का पहला एलिमेंट, एरे का दूसरा एलिमेंट, एरे का तीसरा एलिमेंट और एरे का चौथा एलिमेंट। और इसी तरीके से सब्जेक्ट वाली जो एरे है उसके अंदर डायरेक्टली हमने सब्जेक्ट के नेम जो है डिफाइन कर देने हैं, 0th एलिमेंट के अंदर, पहले एलिमेंट के अंदर, सेकेंड, थर्ड।
तो चारों सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट एरे के अंदर आ चुके हैं। अब हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये वाली लाइंस हैं यहाँ पे पाई चार्ट वन के अंदर, हमने पाई चार्ट वैल्यूज़ के अंदर ऐड किया है पाई चार्ट वैल्यूज़ और डेटा को इक्वल कर दिया है पहले मार्क्स जीरो जीरो एलिमेंट के साथ। कहने का मतलब पहले एलिमेंट के साथ कैटेगरी को भी सब्जेक्ट के पहले एलिमेंट के इक्वल कर दिया, और इसका जो कलर है पहले जो स्लाइस का कलर है वो हमने ग्रीन कर दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरा डेटा यहाँ पे डिफाइन किया, इसी तरीके से तीसरा, इसी तरीके से चौथा। तो हर एक डेटा को हमने एरे में से रिट्रीव किया है, चाहे वो मार्क्स की एरे हो चाहे वो सब्जेक्ट की एरे हो। तो जो मार्क्स की एरे है वो हमने जो डेटा हमारे डेटाबेस में से रिट्रीव हुआ था उससे हमने जो डिक्लेयर की थी उससे हमने जो है फिल अप की थी। तो लास्ट में मैंने पाई चार्ट का जो टाइटल है वहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट रिजल्ट 2017 और उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है स्टूडेंट के नेम के साथ जो हमारे डेटाबेस में से रिट्रीव होगा, क्योंकि डीएस जो है हमारा डेटा सेट है जिसके अंदर हमारा टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू जो सिलेक्ट करके रिट्रीव करवाया है। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो चलिए यहाँ से 1003 को सिलेक्ट करते हैं और व्यू परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है महेश का जो रिकॉर्ड है वो सारा एज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। तो चलिए 1001 को सिलेक्ट करके एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं विजय के रिलेटेड जो रिकॉर्ड था वो सारा जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको पता चल गया है कि पाई चार्ट को डायनेमिकली कैसे पाई चार्ट को जनरेट करते हैं और कैसे पाई चार्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं एजेक्स की टूल किट में से, और कैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है डायनेमिकली डेटा को एज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट के थ्रू, तो जल्दी से इस वीडियो की लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा है या आपको समझ नहीं लग रही कि कैसे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, तो उस आइडिया को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल जो है आपके लिए और सभी अदर व्यूवर्स के लिए अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग अवर चैनल।